हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आपको राजस्थान बोर्ड की 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक इस वक्त कंप्लीट करवा रही हूँ। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो दिया था वो चैप्टर नंबर 12 का 4th पार्ट दिया था। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी और मैंने आपको कहा था कंफर्म करके बताऊंगी मैं इसका आंसर। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4th सदी, यानी कि उसमें जो आंसर सी है वो उसका सही आंसर रहेगा। तो देखिए, मैं आज जो आपके लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर नंबर 1 लेकर के आई हूँ। हमने 6th, 7th, 8th, 11th और 12th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1st, 4th और 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। केवल इतने ही चैप्टर जो हैं वो हिस्ट्री की बुक से हमारे सिलेबस में बनते हैं। मैं रीट लेवल 2 की आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करवा रही हूँ और रीट लेवल 1 के लिए भी 6th to 8th क्लास का जो मैटर है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उसमें देखे जाते हैं। जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं वो उसी बुक में से देखे जाते हैं, तो आपके लिए भी ये चैनल बहुत यूज़फुल है। बाकी मेरा साइकोलॉजी का मैटर, हिंदी का मैटर और इंग्लिश का मैटर जो है वो तो सेम ही है और वो सभी जगह आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जो शिक्षण विधियाँ मैं इस पर करवाऊँगी वो भी बहुत यूज़फुल है दोनों लेवल्स के लिए ही, और सी टेट के लिए तो बिल्कुल ये चैनल बिल्कुल यूज़फुल रहेगा ही सही, क्योंकि सी टेट NCERT बेस्ड बुक्स से ही लिया जाता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं वो NCERT बुक के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए आप लोग भी इस चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, आज चैप्टर नंबर 1 है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसमें पार्ट नंबर 1 लिख रखा है, लेकिन ये जो चैप्टर था वो इतना बड़ा नहीं था कि इसके 2 पार्ट मैं बनाती, इसीलिए मैंने एक ही पोर्शन में इसको पूरा कवर कर लिया है। तो इस एक ही वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती रहती हूँ। मैं हर रोज तीनों सेक्शन से जुड़े हुए वीडियोज़, साइकोलॉजी, SST पोर्शन और हिंदी से जुड़े हुए वीडियोस डालती हूँ। हिंदी में मैं हिंदी रचना बुक कंप्लीट करवा रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और लगातार जुड़े रहिए और जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भारत की किस दिशा में हैं? तो देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके के क्वेश्चन देखे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और जिसने डीप स्टडी की हो केवल उसे ही डायरेक्शन याद रहता है। तो इसलिए देखिए, मैं अपनी मेहनत का पूरा जो है निचोड़ वो इनमें लेकर के आ गई हूँ। मैंने इन बुक्स को 7 से 8 बार स्टडी किया है, उसके बाद मैंने ये नोट्स बनाए हैं। इसका एक एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम दिशा में हैं, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8000 वर्ष पूर्व किस दिशा में सबसे पहले गेहूं व जौ उपजाया गया था? तो देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर ही सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। एक एक शब्द आप इसका याद रखिए वीडियो का, इसमें से क्वेश्चन बन करके आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल लाइटली ना लें। इसका भी जो आंसर है वो नेचुरली उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो गेहूँ उपजाया गया था वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही उपजाया गया था, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, गारो पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस दिशा से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में पाई जाती हैं, तो जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में गारो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो है इसका जो आंसर है वो है 5। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा और इसकी सहायक सोन नदी के किनारे नगरों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो देखिए, क्या 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, 3000 वर्ष पूर्व हुआ था या 8000 वर्ष पूर्व हुआ था? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है 2500 वर्ष पूर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट्स जो है वो NCERT में दी गई है, लिखी हुई है साइड में, और इनमें से क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं, अमूमन देखे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन को इसमें। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास।
तो इसमें झेलम, चिनाब और रावी ये तो सिंधु की सहायक नदियां हैं ही। डी जो चंबल है वो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि जो आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सी नदी नहीं है, तो जो आंसर है वो डी हो जाएगा, चंबल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मगध कहाँ पर स्थित है? ए गंगा के दक्षिण में, बी गंगा के उत्तर में, सी गंगा के पूर्व में, या डी गंगा के पश्चिम में। तो देखिए जो मगध है वो, मगध जो अभी वर्तमान में बिहार कहलाता है, वो गंगा के दक्षिण में, यानी कि गंगा यूपी में निकल रही है, तो यूपी के दक्षिण में, दक्षिण दिशा में बिहार है, आपको पता है। तो जो आंसर है वो है ए गंगा के दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिणी एशिया क्या कहलाता है? तो दक्षिणी एशिया क्या कहलाता है? ए महाद्वीप, बी उपमहाद्वीप, सी प्रायद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दक्षिणी एशिया है वो बी उपमहाद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इंडस, बी इंदोस, सी हिंदोस, या डी हिंदुस्तान। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए इंडस, जो इंडिया शब्द है वो इंडस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? ए सिंधु, बी हिंदू, सी भरत, या डी ये सभी। देखिए इसमें जो है इंडस को संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईरानी यूनानी किस दिशा से आए थे? तो जो ईरानी और यूनानी जाति थी वो किस दिशा से आई थी? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, उत्तर दक्षिण से, या दक्षिण पश्चिम से। देखिए इसका आंसर है वो है ए उत्तर पश्चिम से, ईरानी यूनानी जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? ए इंदोस, बी हिंदोस, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईरानी और यूनानियों ने जो सिंधु है उसे हिंदोस और इंदोस दोनों कहा था, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इंदोस और हिंदोस, यानी कि आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनानियों ने किस भूमि को इंडिया कहा? ए सिंधु नदी के पूर्व की भूमि, बी सिंधु नदी के पश्चिम की भूमि, सी सिंधु नदी के दक्षिण की भूमि, या डी सिंधु नदी के उत्तर की भूमि। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए सिंधु नदी के पूर्व की तरफ जो है भारत पाया जाता है, और इसी भूमि को यूनानियों ने इंडिया कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाला समूह क्या कहलाया? ए भरत, बी हिंदू, सी ब्राह्मण, या डी क्षत्रिय। तो देखिए जो उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाला समूह था वो भरत समूह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भरत समूह का उल्लेख किस कृति में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या डी अथर्ववेद। तो देखिए इसका जो उल्लेख है वो सबसे पहले वेद यानी कि ऋग्वेद के अंदर मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पांडुलिपि होती है? ए हस्तलिखित, बी खुदी हुई यानी कि खुदाई की हुई होती है, सी नक्काशीदार होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पांडुलिपि जो है वो हस्तलिखित हुआ करती थी, पहले ऋषि मुनि पांडुलिपियों को लिखा करते थे, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैन्यूस्क्रिप्ट किस शब्द से निकला है, वह किस भाषा का शब्द है? ए मैनू हाथ, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, पैर से निकला है वो भी लैटिन भाषा है, मुख से निकला है लैटिन भाषा है, या हस्त से निकला है जो कि संस्कृत भाषा है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए हाथ, जिसे मैनू कहा जाता है लैटिन भाषा में, उससे मैन्यूस्क्रिप्ट निकला है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांडुलिपियाँ किसकी बनी होती थी या किस पर लिखी होती थी? ए भुजबेड की छाल पर, बी ताड़पत्र पर, सी भोजपत्र पर, या डी उपयुक्त सभी पर। तो देखिए जो पांडुलिपि है वो भुजबेड की छाल पर भी पाई गई है, ताड़पत्र पर भी पाई गई है, और भोजपत्र पर भी पाई गई है। और भुजबेड की छाल पर जो पांडुलिपि पाई गई थी वो हमें कश्मीर से प्राप्त हुई है। ये डिटेल के अंदर ये क्वेश्चन है जिसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो भुजबेड की छाल की जो पांडुलिपि है वो कहाँ पर पाई गई है? कश्मीर में पाई गई है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो पांडुलिपि है वो भुजपेड़ की छाल पर भी होती है, ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, तीनों पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पांडुलिपि की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तमिल, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए पांडुलिपि जो है वो इन तीनों ही भाषाओं में मिली है, संस्कृत भाषा में भी, प्राकृत में भी, और तमिल में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आम लोगों की भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पाली,
बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी अरमाइक। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी प्राकृत। जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कालिदास थे उनके नाटकों में भी राजा और ब्राह्मणों को और पुरोहितों को तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, लेकिन जो आम लोग थे, जो महिलाएं थी, शूद्र थे, उन लोगों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता था। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है हमें एग्जाम में देखने को मिले, तो अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए। ए इतिहासकार, बी पुरातत्वविद, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है बी पुरातत्वविद। जो अतीत की बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक का वह अभिलेख जो वर्तमान कंधार यानी कि अफगानिस्तान से मिला है वह किस भाषा में है, वह कितना पुराना है। ए यूनानी और अरमेक भाषा में 2250 ईसा पूर्व का है, बी ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में 2000 ईसा पूर्व का है, सी संस्कृत और पाली भाषा में है जो 3000 ईसा पूर्व का है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए यूनानी और अरमेक भाषा में लिखा हुआ 2250 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है जो वर्तमान कंधार अफगानिस्तान में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पर कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अतीत का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता था। ए इतिहासकार, बी पुरातत्वविद, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको ऊपर इस एक क्वेश्चन में बताया गया अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला तो क्या कहलाता था, पुरातत्वविद, जबकि अतीत का अध्ययन करने वाला कहलाता था इतिहासकार। अतीत का जो अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए। तो देखिए एक नोट है, अगर वर्ष की गणना का टाइम पूछा जाए कि वर्ष की गणना किस समय से की जाती है, तो इसमें आएगा आंसर ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आपने पढ़ा भी होगा ईसा जो होता है तो वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैं आगे जो चैप्टर लेकर के आऊँगी वो चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है कि उसके दो वीडियो बने, और अगर एक ही वीडियो में वो आ जाता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको उस लेकर के आऊँ, वो पूरा चैप्टर कवर कर दूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।